आजकल साउथ एक्टर्स किसी भी मायने में बॉलीवुड एक्टर से कम नहीं है और इनकी फिल्में बॉलीवुड से आगे निकल रही हैं। तो आज हम बात करेंगे 10 हाईएस्ट पेड साउथ इंडियन एक्टर्स के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लेना। नंबर 10, कमल हासन। कमल हासन एक वेल नोन एक्टर, फिल्म मेकर, डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, प्लेबैक सिंगर और पॉलिटिशियन है। इन्होंने तमिल मूवीज के अलावा मलयालम, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और बंगाली फिल्मों में भी काम किया है। सोर्स के अकॉर्डिंग ये एक मूवी का 25 करोड़ रुपीस चार्ज करते हैं। नंबर 9, यश। नवीन कुमार गोड़वा जो कि स्टेज नेम यश से पॉपुलर हैं, इन्होंने केजीएफ 2 में अपनी परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन्होंने केजीएफ 2 में एक्टिंग के 30 करोड़ रुपीस चार्ज किए थे। नंबर 8, जूनियर एनटीआर। इन्होंने अपना एक्टिंग करियर एज अ चाइल्ड एक्टर शुरू किया था। ये तेलुगु एक्टर और फॉर्मर आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एनटी रामाराव के ग्रैंडसन हैं। आरआरआर जो कि इनकी मोस्ट रिसेंट मूवी है जिसने कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़े हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स जूनियर एनटीआर ने आरआरआर के लिए एलिजेटली 45 करोड़ रुपीज चार्ज किए थे। नंबर 7, धनुष। धनुष बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज में जाना माना नाम बन चुके हैं। धनुष ने अपनी नेक्स्ट पैन इंडिया मूवी से हाईएस्ट पेड तमिल एक्टर के लिस्ट में ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। सोर्स के अकॉर्डिंग इन्होंने इस मूवी के 50 करोड़ रुपीस चार्ज किए हैं। नंबर 6, महेश बाबू। वेटरन तेलुगु एक्टर कृष्णा के छोटे बेटे महेश बाबू तेलुगु सिनेमा में जाना माना नाम बन चुके हैं। इन्होंने अपना करियर एज ए चाइल्ड एक्टर शुरू किया था। महेश बाबू रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हर मूवी का 55 करोड़ रुपीस चार्ज करते हैं। नंबर 5, रामचरण। रामचरण भी अब कई स्टार्स की तरह 100 करोड़ रुपीस एज अ कंपनसेशन डिमांड करते हैं। अकॉर्डिंग टू रूमर्स इनकी आने वाले दो मूवीज RC-15 और RC-16 दोनों मूवीज की 100 करोड़ रुपीस चार्ज किए हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इनकी मोस्ट रिसेंट मूवी RRR में इन्हें 45 करोड़ रुपीस राजामौली ने इन्हें एज अ फीस ऑफर की थी। नंबर 4, रजनीकांत। 1970 से ही रजनीकांत ने तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और अमेरिकन फिल्म से लोगों का दिल जीता है। रजनीकांत का टोटल कंपनसेशन एस्टिमेटेड अप्रोक्स 100 करोड़ रुपीस है जिसमें फिल्म का रेवेन्यू भी शामिल है। नंबर 3, अजीत कुमार। अजीत कुमार ने अपना करियर तेलुगु मूवीज में एज अ सपोर्टिंग एक्टर शुरू किया था और तमिल में एक बेहतरीन एक्टर के रूप में उभर कर सामने आए हैं। ये हमें 60 से अधिक तमिल मूवीज में नजर आ चुके हैं। अजीत कुमार ने अपनी नेक्स्ट मूवी AK-62 में 100 करोड़ रुपीज की डिमांड की थी लेकिन प्रोडक्शन हाउस ने एज अ लीड एक्टर होने की वजह से और 5 करोड़ रुपीज एड कर दिए थे। नंबर 2, थालापति विजय। विजय जल्द ही अपने 66 मूवी थालापति 66 में नजर आने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया विजय इस मूवी के लिए 118 करोड़ रुपीस चार्ज कर रहे हैं जो कि इन्हें तमिल सिनेमा का वन ऑफ द हाईएस्ट पेड परफॉर्मर बनाता है। नंबर 1, प्रभास। प्रभास इंडिया के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में आते हैं। ये हमें बाहुबली और बाहुबली 2 जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज में देखने को मिले थे जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। प्रभास अपनी अपकमिंग मूवी आदिपुरुष के लिए 150 करोड़ रुपीस चार्ज कर रहे हैं जो उन्हें इंडिया का हाईएस्ट पेड एक्टर बनाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपका फेमस साउथ एक्टर कौन है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।